नमस्कार, वीडी टीवी भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शालू। हिजाब मामले ने पूरे देश में तूल पकड़ लिया है। इस मामले पर दो पक्ष बन गए हैं, एक वे है जो हिजाब के पक्ष में है और दूसरे जो इसके पक्ष में नहीं है, और फिर खुद भगवा पहन के आने वाले लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। कर्नाटक के एक शिक्षण संस्थान से शुरू हुआ ये मसला राजनीतिक रूप ले चुका है। आपको पहले दिखाते हैं कि AIMIM के प्रमुख ओवैसी ने एक सभा में ये भविष्यवाणी कर डाली कि एक दिन मुस्लिम महिला इस देश की कमान संभालेंगी। आइए देखते हैं ओवैसी का ये वीडियो। हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता है, देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, SDM भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि कौन होगी हिजाब वाली महिला जो देश की कमान संभालेगी। लेकिन हम आपको ये बता दें कि हिजाब का इस्लाम में क्या महत्व है। कुरान में अपने आप को दिखाना महिलाओं के लिए गलत माना गया है। कुरान की सूर नूर और सूर अजाब में पर्दे की गाइडलाइंस दी गई हैं। कुरान में हिजाब और जलाब शब्द का भी जिक्र किया गया है। हिजाब का मतलब छुपाना होता है और जलाब का मतलब पहने हुए के कपड़े के ऊपर एक तरह की चादर ओढ़ना होता है। कुरान में कहा गया है कि हमें यानी किसी भी व्यक्ति को, महिला को अपने अंगों को छुपा कर रखना होगा और अपना श्रृंगार या आभूषणों को भी छुपा कर ही रखें, लेकिन जो स्वाभाविक रूप से दिखे उसके अलावा उन्हें हर चीज़ ढक कर रखनी है। कुरान के इन्हीं आयतों की तरह ही अलग अलग लोगों ने महिलाओं के लिए अलग अलग नियम बना दिए हैं। इसी कौम का एक वर्ग ये भी कहता है कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे वर्ग का ये कहना है कि ये फैसला उन महिलाओं पर ही छोड़ देना चाहिए। वे मानते हैं कि वक्त बदल चुका है और हमें वक्त के हिसाब से बदलना होगा। खैर, ओवैसी के बयान की एक हिजाबी महिला प्रधानमंत्री बनेगी, इस बात से आप सहमत हैं या नहीं, ये ज़रूर कमेंट करके हमें बताएँ।